सभी का मंगल चैनल पर एक बार फिर सभी का स्वागत है। मैं अमित तिवारी, आज मैं एक फिल्म का रिव्यू करूंगा जिसका नाम है हिचकी। तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो? आपकी आवाजें सुनके बच्चे क्लास में हंसते ही रहेंगे। I've never seen a teacher with a speech defect. दोस्तों, मुझे इस फिल्म का रिव्यू करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक स्टैमर हूँ, मुझे भी रुक रुक कर बोलने की समस्या है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी को बोलने की समस्या है, वह बहुत ही इस फिल्म में स्टैमरिंग करती है। दो वर्ड बोलती है तो उसके बाद स्टैमरिंग करती है, हिचकी लेती है। और दोस्तों, वह कई स्कूलों में टीचर के लिए इंटरव्यू देती है, तो कई स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं, तू ठीक से बोल नहीं पा रही है, सारे बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो रानी मुखर्जी काफ़ी उदास हो जाती है और आखिरकार उसे एक स्कूल में जॉब मिल जाती है। लेकिन उस स्कूल में 14 बच्चे ऐसे रहते हैं जो भी बहुत ही गरीब परिवार के रहते हैं, और इसलिए उस स्कूल में उन बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता। तो और इसलिए वहाँ के बच्चे बहुत ही शरारती रहते हैं, लुखे रहते हैं, वह किसी की बात सुनते नहीं हैं। उस स्कूल में रानी मुखर्जी पढ़ाने के लिए जाती है, कोई बच्चा उनकी बात को ध्यान नहीं देता, उल्टा उनका ही मजाक बनाया करते हैं। एक बच्चा बोलता है, तू ठीक से बोल नहीं पाती और खुद हम लोग पढ़ा रही है, तो बहुत ही दो बात बोलती नहीं, चालीस की पहले सुनाई दे जाती है। लेकिन अंत में लोगों ने उनका मजाक बनाया, अंत में अपनी आवाज़ इम्प्रूव के लिए बहुत ही काम किया रानी मुखर्जी ने, और फिर लास्ट में बच्चों को पढ़ाया तो उनकी आवाज़ बहुत ही इम्प्रूव हो गई। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रानी मुखर्जी रियलिटी में, मतलब रियल में भी वो हकलाती थी, उनकी माँ भी हकलाया करती है, उनके भाई भी हकलाते हैं अब भी, और रानी मुखर्जी पहले हकलाती थी लेकिन अब वो हकलाती नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ बहुत इम्प्रूव कर ली। हाँ जी, मैंने तो ओवरकम किया है। मैं बचपन में हकलाती थी, आई यूज़ टू स्टैमर, और मेरी मम्मी भी हकलाती है, उन्हें भी एक स्टैमरिंग का मतलब इशू है। मेरे बड़े भाई वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी हकलाते हैं, और मैंने काफ़ी वो चीज़ को ओवरकम की है, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस हमें बहुत सारी डायलॉग्स बोलनी पड़ती है, बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, और स्टैमरिंग इज़ समथिंग कि जब आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हो या एक्साइटेड होते हो तो वो चीज़ ज़्यादा उभर के आती है। तो बहुत मुझे कंट्रोल करना पड़ा, बहुत उस पर काम करना पड़ा, लेकिन जो अच्छी बात है लाइफ में कि जो भी आपकी वीकनेस है या जो आप सोचते हो कि आपकी वीकनेस है, उसे अगर आप उस पर काम करें और उस पर अगर आप उसको आप कॉन्कर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज यू कैन मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। दोस्तों, यह फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होगी, हम सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए। ऐसी फिल्म हम सभी को देखना चाहिए जिस फिल्म से हम सभी को प्रेरणा मिले, मोटिवेट फिल्म ही देखनी चाहिए, बहुत ही अंदर से शक्ति मिलती है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का दिल भी करता है, तो ज़रूर कमेंट करें, कोई भी सवाल हो हमसे पूछें, सभी का।